वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। और मैं समझता हूँ कि बिहार में 40 की 40 सीटें एनडीए लेंगे। कहीं कहीं लड़ाई दिखेगी जरूर, लेकिन लड़ाई वास्तविक होगी नहीं। सर आप पहले भी यहाँ से सांसद रहे हैं, कितना उत्साह और कितना प्यार आप लोगों को मिला? काफी काफी। लेकिन इंडिया लाइन लोग बोल रहे हैं 40 भी नहीं मिलेगा, 400 का सपना भी नहीं देखा। ओ सही बात, वो और क्या कहेंगे, और क्या कहेंगे, उनके पास कोई मुद्दा है बताइए, और कुछ बताइए। लेकिन इंडिया लाइन के लोग बोल रहे हैं कि जो एनडीए के लोग हार रहे हैं तो मंगलसूत्र और क्या क्या की बातें लोग कर रहे हैं। अब वो संविधान बचा रहे हैं ना, आरक्षण खत्म हो रहा है, संविधान बचा रहे हैं वो लोग, अच्छी बात है। इस पूरे चुनाव के बाद आप इंडिया लाइन्स को कहाँ देखते हैं, क्या होगा उन लोग का? यहाँ तो होगा 400 पार, अब वहाँ होगा दिल्ली पार। शिवहर का क्या होगा? शिवहर का, शिवहर में हम लोग कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, और यहाँ जबरदस्त जीत होगी, शानदार जीत होगी। शिवहर की जनता, अब एक शिवहर की जनता एनडीए को वोट क्यों दे? कहा गाड़ी सब तो निकालो पहले। सर हाँ, शिवहर की जनता एनडीए को वोट क्यों दे आपसे जानना? किसको वोट करे शिवहर की जनता, जिसके राज में कतलेआम, खुरेजी, नरसंहार, उग्रवाद, फिरौती, अपहरण, रंगदारी, उसको वोट करे, किसको वोट करें? इंडिया लाइन्स के लोग तो बोल रहे हैं 40 भी नहीं मिलेगा, 400 का सपना सपना। सही सही बात है, वो सही कह रहे हैं, है ना। वो 4 तारीख को तय हो जाएगा कि कौन कितने पानी में है। आपकी क्या प्रायोरिटी रहेगी शिवहर से बात बनती, क्या प्रायोरिटी रहेगी? हमने पहले ही कह दिया कि यहाँ हमारे समय से ही चिर प्रतीक्षित मांग है रेलवे से जोड़ना शिवहर को। हमने प्रयास भी किया था रामविलास जी के समय में, सर्वे ऑर्डर भी हुआ था, 5 लाख रुपए स्वीकृत भी हुए थे, लेकिन वो अभी भी लंबित है, उसको पूरा करना है। रीगा का चीनी मिल है जो आर्थिक मेरुदंड है यहाँ का, यहाँ के किसानों का, उसको चालू करना है। सरोगढ़ और मोतिहारी को अदौड़ी और खोड़ी पाकर पर जो पुल बनाने का है वो है, ढाका को जिला बनाने का है, और उसी के साथ साथ जो सर्वोच्च प्राथमिकता है वो है यहाँ का अयोध्या के तर्ज पर पुनौरा धाम, जो प्राकृतिक भूमि है माँ जगत जननी जानकी का, वहाँ भी भव्य मंदिर का निर्माण हुए। आज हर मैडम एक सवाल है, शिवहर की जनता आपको वोट क्यों दे? शिवहर की जनता इसलिए वोट दे क्योंकि यहाँ से हम लोग का पुराना संबंध रहा है। आनंद मोहन जी को दो दो बार यहीं की जनता ने सांसद बनाया है। आनंद मोहन जी के 2 साल का जो सवा 2 साल का समय रहा उसमें भी काफी विकास हुआ, तो विपरीत समय में दिया है, बेटा को भी यहां पर विधायक भी बनाया है। शिवहर की जनता देख लिए है विकास, आज देखिए ना रोड कितना ये है, 3 ही साल में कितना कुछ चमक रहा है, बिजली है, डिग्री कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है। चेतन आनंद इतना कम समय में, 1 साल तो बंद ही रहा, 2 साल में जो काम किया है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, तो विकास के नाम पर वोट दे। आज मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं देश के प्रधानमंत्री, नीतीश कुमार जी हैं बिहार के मुख्यमंत्री, तो जब विकास पुरुष दोनों हमारे साथ हैं और हम लोग भी काम करने वाले हैं और शिवहर पिछड़ा जिला है तो इसमें ज्यादा विकास की जरूरत है, इसलिए वोट दें कि हमारी सरकार देगी। कोई एक वोट देगा दूसरे जगह तो वो वेस्ट हो जाएगा, लेकिन जब यहाँ पर एनडीए में देगा तो डबल इंजन में डबल काम होगा। प्रमुख कुछ काम बताइए जो आपके। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी।